हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल एसएससी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं संपूर्ण भारतीय संविधान के विभिन्न भाग के अनुच्छेद के बारे में। तो विभिन्न भाग में भाग 3 और 4 हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम देखेंगे विभिन्न भाग के भाग 5 के बारे में और भाग 5 के अनुच्छेद 151 तक डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अनुच्छेद 99 के अनुसार संसद के किसी भी सदन का प्रत्येक सदस्य स्थान ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति या उसके द्वारा नियमित व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञा लेगा करेगा। अनुच्छेद 100 के अनुसार सदनों में मतदान रिक्तियाँ तथा गतिपूर्ति के बावजूद सदनों की कार्य करने की शक्तियाँ। अनुच्छेद 101 में स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 102 में सदस्यों के लिए निहर्ता। अनुच्छेद 103 के अनुसार सदस्य के निहर्ताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिमय भी निश्चय। अनुच्छेद 104 के अनुसार अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने तथा प्रतिज्ञान करने से पहले या अयोग्य होने पर बैठने पर मतदान करने की दंड। अनुच्छेद 105 के अनुसार संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों तथा समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार आदि। अनुच्छेद 106 के अनुसार सदस्यों के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 107 के अनुसार विधेयकों के पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 108 के अनुसार कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 के अनुसार धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 के अनुसार धन विधेयक की परिभाषा अर्थात पहला है किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन या विनियमन। दूसरा है भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का या कोई प्रत्याभूति देने का विनिमय अथवा भारत सरकार द्वारा अपने ऊपर ली गई या ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन। तीसरा है भारत की संचित निधि या आकस्मिकता निधि की अभिरक्षा। ऐसी किसी विधि में धन जमा करना या उसमें से धन निकालना। चौथा है भारत की संचित निधि में से धन का विनियोग।